नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज आपको कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। आपका अपना शोरूम है और आपका शोरूम अच्छा नहीं चल रहा है। आपका शोरूम नॉर्थ फेसिंग है और एज़ पर वास्तु अंदर का सेटअप भी आपका बहुत बढ़िया बना हुआ है, लेकिन फिर भी आपका शोरूम बहुत अच्छा नहीं चल रहा। तो आप अपने बाहर के फ्रंट के भाग को चेक करें। आपके फ्रंट के भाग में, क्योंकि आपका शोरूम नॉर्थ फेसिंग उत्तरमुखी है, तो आपके फ्रंट के भाग में ये देखें कि आपके लेफ्ट में यानी ईशान कोने की ओर हम बाहर खड़े हैं और अंदर की ओर देखते हैं तो आपके लेफ्ट कॉर्नर की ओर यदि इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है या ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या आपके फ्रंट के भाग में तारों का जंजाल बना हुआ है, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके शोरूम में वर्किंग अच्छी नहीं हो सकती। आप अपने फ्रंट के भाग को नीट एंड क्लीन करें। यदि आपके यहाँ पोल लगा हुआ है तो उस पोल के चारों तरफ होता क्या है, जब सफाई होती है तो सफाई करते समय जो भी कूड़ा इकट्ठा होता है, जो मिट्टी इकट्ठी होती है, उसको पोल के साथ इकट्ठा कर दिया जाता है। यदि वहाँ पर पोल के साथ मिट्टी इकट्ठी हुई है तो आप उस मिट्टी को क्लीन कराएं। फ्रंट का एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन कराएं, साफ कराएं। और आपके शटर के आगे यदि तारों का जंजाल है, तारें झूल रही है, चाहे वो बिजली की तारें हैं, चाहे इंटरनेट की है, चाहे आपकी डिश टीवी की है, उन सभी तारों को आप क्लैंप करा के ऊपर कराएं। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो भी काम कराना है ये काम आपने इलेक्ट्रिशियन से कराना है, क्योंकि बिजली का काम है, कहीं ऐसा ना हो कि करंट लग जाए। सभी तारों को प्रॉपर तरीके से क्लैंप कराएं और उन तारों को इस तरीके से सेट करें, एक तो शटर से ऊपर आ जाए, दूसरा आपका जो बोर्ड है, जो आपकी होल्डिंग है, उस होल्डिंग के आगे वो तारे ना आए। इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी जो सेल है वो सेल प्लस हो जाएगी। ये छोटे छोटे उपाय आप अपने यहाँ पर जरूर करके देखें। आप परेशान हैं, आपको कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब शोरूम बनाता है वो शोरूम उसका अपना है या किराए का है। ज़्यादातर शोरूम किराए के होते हैं, अपने शोरूम कम होते हैं, यानी जो जगह हमने परचेज करके और उसके अंदर हमने अपना शोरूम खोला हुआ है, ऐसे शोरूम कम होते हैं और किराए के शोरूम ज़्यादा होते हैं। आपने अपना शोरूम किराए पर लिया हुआ है और अच्छा खासा किराया आप उस शोरूम का देते हैं और आप अपने हर महीने इसी बारे में सोचते हैं कि इस महीने का किराया कैसे निकलेगा, शोरूम के खर्चे कैसे निकलेंगे, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये छोटे छोटे उपाय अपने यहाँ पर जरूर करके देखें। मेरा अपना ये मानना है कि आपको 100% रिजल्ट पॉजिटिव जरूर मिलेंगे। आप सभी मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, तो ये छोटे छोटे उपाय अपने शोरूम के बाहर करेंगे तो आपको रिजल्ट बेहतर जरूर मिलेंगे। अपने शोरूम के बारे में ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से मैप भी बनवा सकते हैं, और आप अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव लिखा। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आप अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं या आप किसी भी काम के लिए नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो आप हमारी यह पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें हमारे पिताजी ने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव लिखा है, हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी, क्योंकि हमारी यह पुस्तक बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में लिखी गई है ताकि आप आराम से इसे ईजी वे में पढ़ सकें। हमारी यह पुस्तक हिंदी भाषा में है। आपकी अपनी बिल्डिंग आधी अधूरी बीच में पड़ी हुई है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं, बार बार उसके अंदर कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं लेकिन दो चार दिन हफ्ता चलती है और फिर वो कंस्ट्रक्शन रुक जाती है। आप अपनी उस बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ना तो वो बिल्डिंग सेल होने में आ रही है और ना ही वो बिल्डिंग पूरी होने में आ रही है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। जब आप हमारी यह पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह पुस्तक सिर्फ आपके लिए लिखी गई है। इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ें, समझें और अपनी साइट को चेक करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी साइट में कहां पर किस दिशा में वास्तु दोष बना हुआ है, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग बनते हुए बार बार रुक जाती है।
जब आप अपनी उस बिल्डिंग से वास्तु दोष दूर करेंगे तो आपकी बिल्डिंग वो जल्दी करके पूरी भी हो जाएगी, और आप उससे सेल करना चाहते हैं तो वो सेल भी हो जाएगी। आप हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर भी जरूर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।